दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं और ये हमारे काफी अच्छे दोस्त भी है। और करेंटली ये अभी आदित्य बिरला ग्रुप में हिंडालको में एज अ जीईटी प्लेस्ड है और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है चंदन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद शुभम। हेलो हेलो तो चंदन, सबसे पहले हम आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, आप किस कॉलेज से है और कौन सा ब्रांच है आपका? तो हाय एवरीवन, आई एम चंदन कुमार झा। मेरा जन्म बांका डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार राज्य में आता है वहां पे हुआ है और मेरी शिक्षा 10th तक बोकारो स्टील सिटी में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 में हुई है और मेरी 11th-12th की शिक्षा बोकारो में ही डीएवी सेक्टर 4 में हुई है, जहाँ से मैंने शुभम को जाना क्योंकि वो भी मेरे ही साथ थे, पार्टी थे। उसके बाद मुझे बीआईटी सिंदरी में माइनिंग इंजीनियरिंग में पढ़ने का मौका मिला, तो मेरी बीटेक बीआईटी सिंदरी धनबाद से हुई है। उसके बाद अभी मैं करेंटली एज अ जीईटी हिंडालको इंडस्ट्रीज में हूँ। हिंडालको इंडस्ट्रीज जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का एक पार्ट है, उसमें मैं एज अ जीईटी ज्वाइन किया हूँ और मेरी ज्वाइनिंग 1 अगस्त को हुई है। तो चंदन, आपने बताया कि आपने माइनिंग इंजीनियरिंग चुना था, तो इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि जनरली ये बोला जाता है कि माइनिंग का जो जॉब होता है वो बहुत टफ होता है, गर्मी, डस्ट, तो माइनिंग चुनने का इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या था? बेसिकली ये बात मैं सच्चाई मानता हूँ कि जो माइनिंग होती है वो बहुत टफ होती है, लेकिन किसी न किसी को तो करना ही है। और बेसिकली बिलोंगिंग टू झारखंड, मैंने शुरू से ही माइंस को देखा है, मैंने देखा है कि कैसे माइंस में काम होता है, तो वो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था और स्पेशली अंडरग्राउंड माइनिंग जो था मेरे लिए बहुत ही एक फैसिनेटिंग चीज था। तो इसलिए मुझे जब मौका मिला बीआईटी सिंदरी में माइनिंग इंजीनियरिंग में पढ़ने का, तो मैंने उस मौके का फायदा उठाया और बीआईटी सिंदरी में माइनिंग जो है वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है और बहुत ही पुराना कॉलेज है और कंपनी के बारे में कुछ बताइए। तो एक्चुअली मैं अभी एज अ जीईटी हिंडालको इंडस्ट्रीज में हूँ जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है। तो मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो 1 अगस्त 2023 को झारसुगुड़ा में हुई। झारसुगुड़ा में ही आदित्य एल्युमिनियम है, वही मेरी फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग हो रही है। तो बेसिकली हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है वो 4 फेज में होता है ड्यूरिंग जीईटी पीरियड। तो फर्स्ट फेज जो है 45 डेज का है, जिसमें मेरी पोस्टिंग झारसुगुड़ा में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट फेज जो कि 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, वो उसमें हमारी ट्रेनिंग लोहरदगा में होने वाली है। और थर्ड फेज के बारे में अभी हम लोगों को बताया नहीं गया है, लेकिन थर्ड फेज में हम लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो चंदन, ये आदित्य बिरला ग्रुप वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी है, कोर कंपनी है, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे, कौन कौन से राउंड्स होते हैं? सो बेसिकली बीआईटी सिंदरी में आदित्य बिरला ग्रुप जो है वन ऑफ द फ्लैगशिप कंपनी है फॉर कोर ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मेटलर्जी, केमिकल। तो सबसे पहले जो एक बेसिक रिटन टेस्ट होता है, तो रिटन टेस्ट जो हम लोगों का हुआ था वो उसमें 4 सेक्शन थे, बेसिकली एप्टीट्यूड था, रीजनिंग था, इंग्लिश था और टेक्निकल क्वेश्चंस थे। तो टेक्निकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके डोमेन से रिलेटेड होंगे, मतलब अगर आप माइनिंग से हैं तो आपके माइनिंग से रिलेटेड होंगे। और जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ईजी लेवल के थे, तो ज्यादा टफ नहीं थे। अगर आपने हल्की सी भी प्रैक्टिस की है तो वो आपके लिए बहुत ईजी है क्रैक करना। और टेक्निकल क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। तो अगर आपका टेक्निकल में आपके अपने कोर सब्जेक्ट पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो वो आपके लिए रिटन क्वालिफाई करने में आपके लिए बहुत ही मदद करेगी। उसके अलावा जब टोटल हम लोग जब रिटन क्वालिफाई किए तो उसके बाद जीडी का प्रोसेस हुआ, ग्रुप डिस्कशन का। तो बेसिकली 3-4 पैनल में डिवाइडेड थे हम लोग, तो हर पैनल में 10 जन थे। तो मेरा जो पैनल था वो फर्स्ट पैनल था। तो मेरे पैनल में जो टॉपिक मिला था वो था रोल ऑफ
गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम लोग टोटल 10 जन थे। तो जीडी में मैंने ये पाया कि अगर आप आपके आप बहुत ज्यादा भी नहीं बोल रहे हो लेकिन अगर आपके पास वैलिड पॉइंट्स है तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। उसके अलावा अगर आप सबकी बातों को सुन रहे हो, मतलब जब भी आप मान के चलो कोई और बोल रहा है तो आप उसकी बातों को सुनो और उसके पॉइंट्स को आप किसी भी नोट पैड में या किसी भी जो कि आपको वहां दी जाएगी उसमें आप नोट डाउन करो और उस चीज को आप अपने कंक्लूजन में आप उस चीज को यूज कर सकते हो। तो वो भी एक बेटर अच्छा इंप्रेशन बनाता है क्योंकि अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात। तो जीडी में टोटल हम राउंड में तो टोटल 39 लोग जीडी के लिए गए थे। तो उसमें से टोटल हम लोग 15 सेलेक्टेड हुए थे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो था वो मेरा इंटरव्यू लगभग 45 मिनट्स का चला था। मुझसे बोथ टेक्निकल एज वेल एज एचआर क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो मैंने पाया कि टेक्निकल में वो आपसे ऑपरेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं क्योंकि हिंडाल्को के ओपन कास्ट माइंस ज्यादा है, बेसिकली बॉक्साइट के माइंस है। तो ओपन कास्ट माइनिंग के कि आपको नॉलेज हो और इसके अलावा एचआर क्वेश्चन में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आपका जो आंसर हो वो बहुत ही ऑनेस्ट हो और आपको कंपनी के बारे में पता हो, जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी के बारे में पता हो, ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू टोटल 45 मिनट्स चला था और उसके अलावा टोटल 15 जन में हम 5 सेलेक्ट हुए थे, फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो चंदन जैसे कि आपने बताया कि ये 3 राउंड्स में हुए थे, रिटन राउंड, जीडी राउंड और इंटरव्यू। तो सर आपने बताया कि टेक्निकल जो राउंड था जो कि रिटन राउंड था उसमें टेक्निकल जो सवाल पूछे गए थे वो बेसिकली जो जूनियर्स है हमारे वो किस बुक से रेफरेंस ले सकते हैं अगर उन्हें रिटन क्रैक करना हो तो? अगर उन्हें रिटन क्रैक करना है तो मैं बेसिकली रिकमेंड करूंगा डीजे देशमुख का जो बुक है, डीजे देशमुख की जो बुक आती है 3 वॉल्यूम्स में आती है। जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें माइनिंग मेथड के बारे में बेसिकली है, सेकेंड वॉल्यूम जो है उसमें माइन वेंटिलेशन और मेटल माइनिंग के बारे में है, एक मिनट एक्सक्यूज मी, और जो थर्ड वॉल्यूम है उसमें माइन मशीनरी के बारे में है। तो बेसिकली आपका कमांड जो है वो तीनों बुक पे होना चाहिए, आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आइडिया नहीं हो तो उस केस में वहाँ जो एट द मोमेंट क्या कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स रहेंगे? अगर आपको कुछ भी आइडिया ना हो तो आप ये करो कि आप जीडी स्टार्ट मत करो, आप एटलीस्ट सुनो दूसरों को कि वो क्या बोल रहे हैं। जब वो कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको खुद के कुछ आइडिया आएंगे कि आपको कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपको ये कहा जाए कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। तो आपको अगर 3-4 जितने भी पॉइंट्स आए वैलिड पॉइंट्स में चाहिए और डिफरेंट पॉइंट में चाहिए, तो जितने भी आए आप उसको बोलो और आप कंक्लूजन भी दूसरों के पॉइंट्स सुन के, तो वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सो आई होप काफी यूजफुल होगा जूनियर्स के लिए जिनको आइडिया नहीं जीडी के बारे में, इन टॉपिक के बारे में। और चंदन एक और जो डाउट्स होते हैं जूनियर्स के मन में कि जब वो थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में होते हैं तो उन्हें वीटी करना होता है, तो कितने नंबर ऑफ वीटीज इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने नेसेसरी होते हैं, दो से ज्यादा एक काफी होता है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इन माय ओपिनियन बेसिकली आप अगर दो वीटी कर रहे हो, एक आप अंडरग्राउंड माइंस में कर रहे हो और एक आप ओपन कास्ट माइंस में कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ होना चाहिए। और जहां भी आप वीटी करो तो वहां का सारे सारा जानकारी इकट्ठा कर लो। मान के चलो कि आप अंडरग्राउंड माइंस में हो, अंडरग्राउंड कोल माइंस में, तो वो किस डिग्री की माइंस है, वहां पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन से मशीनरीज यूज हो रहे हैं, वहां पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कितने सीन पे है, सीन थिकनेस कितना है, सारे चीज के बारे में आप पता करो। और अगर आप ओपन कास्ट माइंस में हो तो वहां का क्या ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो है, वहां पे कौन सी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज यूज हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में। और वीटी का मतलब जितने भी दिन आप जा रहे हो वीटी में, तो आप एक नोटबुक ले जाओ, उसमें सारा जो भी आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करो, वो आपको बहुत ही काम आएगा इंटरव्यूज में, क्योंकि इंटरव्यूज में फिजिकली क्या है कि आपके वीटी पर बहुत ही अच्छा फोकस रहता है।
और एक और जो ये डाउट रहता है बच्चों के मन में, जैसे एबीजी में आप मेटल माइंस में प्लेस्ड है, तो बच्चे के मन में डाउट होता है कि जो कंपनी आ रही है, क्या जैसे एबीजी आपको मेटल माइंस दी गई है, तो क्या ये जरूरी है कि मेटल माइंस में ही वीटी करे या कोल माइंस में ही वीटी करने से वो सफिशियंट होता है? दोनों मतलब आई थिंक सफिशियंट है, आप कोल माइंस में भी करो, वैसे भी मेटल माइंस में वीटी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब वहां आपको एविडेंस लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप कहीं भी कर रहे हो ओपन कास्ट अंडरग्राउंड, दो आपको एक अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए वीटी का, वो आपके लिए काफी है। कंपनी को इससे नहीं मतलब है कि आप मेटल माइंस में किए हो वीटी या कोल माइंस में किए हो, उसको ये देखना है कि आप टेक्निकली साउंड हो कि नहीं। आपने जहाँ आपने अगर एक मंथ का वीटी किया है तो आपने वहां कितना अटेंटिवली सुना है, ये उससे मतलब है। तो जाना चाहिए कि जो हमारे जूनियर्स है जो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो वो इंटरव्यू के लिए और कंपनी प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके लिए क्या टिप्स होगा आपकी तरफ से? बेसिकली मेरा टिप यही है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो। आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि हम लोग हॉस्टल में क्या करते थे कि 4 से 5 जन का आप ग्रुप बना लो और आप अपने में जीडी प्रैक्टिस किया करो, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उससे दो चीज फायदा होगा। पहला चीज कि आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, और दूसरा कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता चलता रहेगा, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो आप वो कर सकते हो। और एज फार एज टेक्निकल इज कंसर्न, तो उसके लिए आप जो बेसिक बुक्स हैं उन्हें पढ़ो, जैसे कि डीजे देशमुख हो गया, और जो क्लासरूम में बताया जाता है उन्हें ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, अपना आपने जो वीटी किया है उस पर आपका कमांड रहना चाहिए। अच्छा, और एक चीज है जो आप कर सकते हो, जैसे कि मॉक इंटरव्यूज ले सकते हो दूसरे के साथ, जैसे कि एचआर क्वेश्चंस का आपको बहुत बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू मॉक इंटरव्यूज वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा चंदन, और ये जानना चाहिए कि माइनिंग इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है आगे, और अभी जो है और आगे क्या स्कोप है माइनिंग इंजीनियरिंग का? बेसिकली माइनिंग जो है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपको एल्यूमिनियम बनाना है तो भी आपको माइनिंग की आवश्यकता है, आपको कोल आपको पावर प्लांट चलाना है तो भी आपको माइनिंग की आवश्यकता है। तो माइनिंग की सॉरी तो माइनिंग का जो स्कोप है भी बहुत ही वास्ट है। और उसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे माइंस का ऑप्शन स्टार्ट किया है, तो उसके कारण क्या है कि माइनिंग में अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ रही हैं, चाहे वो मेटल माइंस हो या कोल माइंस हो। काफी ज्यादा डाउट्स थे, जो काफी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे जो कि जनरली बच्चों के मन में आते हैं प्लेसमेंट से पहले, और काफी अच्छे से आपने सारे डाउट्स क्लियर किए। सो आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आप चंदन सर से वन टू वन कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक्डइन आईडी डाल दूंगा, आप वहां कनेक्ट करके इनसे सारे डाउट्स पर्सनली पूछ सकते हैं जो डाउट्स यहाँ मिस हो गए होंगे। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू चंदन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। थैंक यू शुभम।